कौन सीनियर? सीनियर पुलिस ऑफिसर, यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड। आप कौन? मैं अभिजीत दास, सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर। यहाँ के लोकल लोग और अखबार ये कहते हैं कि 6 बजे के बाद जो भी भूमा जंगल जाता है वो वापस नहीं आता। भूमा जंगल आने का कोई खास वजह? कहाँ भी जाना है 6 बजे से पहले वापस आ जाना। माँ तारिणी का श्राप है। मुझे पता है इन सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है। किसका? कौन कौन है? कौन है वो? बोंडास। बोंडास? हाँ, बोंडास, भूमा जंगल के निवासी। बोंडास? बोंडास? हाँ, जंगल के निवासी। पिछले 100 साल से ये लोग यहीं रहते हैं। एक जाति, एक धर्म, गिन के बस 200 ही लोग। ना कोई रूल, ना कोई रेगुलेशन, ना कोई लॉ, कुछ नहीं। बस एक ही मकसद, अपने घर, अपने परिवार, अपनी जगह को प्रोटेक्ट करना बाहर की दुनिया से। लेकिन मेरी क्या गलती थी? मैंने क्या बिगाड़ा था उन लोगों का? द ब्लडी गरीब। गरीब? वाह, गरीब। गरीब यहां से होते, यहां से नहीं। गरीब जरूर है वो लोग, लेकिन दिल का सच्चा है। साले सब बस प्यार से समझाने का देरी है। प्यार से माय फुट। खैर, आपको क्या समझ में आएगा? ये बताइए, वो लोग क्यों प्रोटेक्ट करते हैं उनके जंगल को? क्या हो सकता है उनके जंगल? बोले, सोचिए, ध्यान से सोचिए, क्या हो सकता है उनके जंगल? मुझे क्या पता वो गरीब चाहते क्या है। सोना और अमृत मिलता है उनके लिए। सोना और अमृत? शायद आप भूल रही है, उड़ीसा है उड़ीसा। यहाँ सोना और अमृत तो छोड़िए, दूर दूर खाली जंगल और झाड़ दिखता है। सोना और अमृत की बात करते हैं। चुप। सोना माने कोयला और अमृत माने तेल। भूमा जंगल में कोयला और तेल निकलता है। और आपको तो पता होगा कोयला और तेल का रेट कितना ज्यादा है बाहर की दुनिया में, तो तुम्हारे सोना और गोल्ड से भी ज्यादा। और बाहर के बहुत सारे कंपनी यहाँ आके अपना झंडा गाड़ने में तैयार है। आपने कहा था ना कि यहाँ के लोग यहाँ से गरीब हैं, यहाँ से नहीं, तो वो ये लगाकर उस कोयले और तेल को बेच क्यों नहीं रहे हैं? पैसा क्यों नहीं कमा रहे हैं? क्यों पड़े हुए हैं जंगल में जंगली जानवर की तरह? कल्चर नाम की कोई चीज होती है सर, वो लोग सोचते हैं कि उनके जमीन पर देवी माँ रहती है, और उसी सोच के कारण वो लोग अपना जमीन खाली नहीं करता, क्योंकि जिस जगह में वो लोग रहता है उस जगह का रिस्पेक्ट करता है, और इसी कारण वो लोग उस जगह को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता। उनको ये तेल और कोयला से कोई इंटरेस्ट नहीं है, पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस अपने जमीन को रिस्पेक्ट करता है। तो आपके कहने का मतलब है कि उन्हीं लोगों ने मुझे अटैक किया? हो सकता है, मुझे तो यही लगता है। सब सब चीज के पीछे उनका ही हाथ है। लेकिन मुझे ये आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? देखिए, मुझे जितना बोलना था मैं आपको बोल दिया हूँ, इसके ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। काफी आसान है आपके लिए कहना कि आपने जो बोलना था वो बोल दिया। लेकिन एक सागर, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, इस सब चीज को आप एक बुरा सपना मान के भूल जाइए। बुरा सपना मान के भूल जाइए? अगर अगर आप मेरी जगह रहते ना, तब आपको पता चलता कि वो एक बुरा सपना नहीं था, वो एक हकीकत था मेरे लिए। कैसे कैसे मुझे उन्होंने तड़पाया, कैसे उन्होंने मुझे टॉर्चर किया। ये जो आपका भूमा जंगल है ना, हाड़ में जाइए भूमा जंगल, और वो साले बहनचोद साहब, मुझे
मुझे मेरे घर घर जाना मुझे मेरे घर जाना मैं चाहूंगा तो उन लोगों पे केस कर सकता हूँ, जानते नहीं वो मुझे। देखिए 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 सागर, हम भी क्या कर सकते हैं, हमारा भी हाथ बंधा हुआ, हम थोड़ी हिमा जंगल जाके सब सारे बोटास को ला के कस्टडी में डाल सकते हैं। लेकिन लेकिन मैं कर सकता हूँ। क्या मेरा कैमरा कहाँ है? मुझे ये याद है कि जब जब मुझे उसने पीछे मारा था तो मैं एक शूट कर रहा था। शूट? हाँ शूट, उसमें उसमें सर उसका चेहरा आग गया। मुझे मेरा कैमरा चाहिए। कैमरा तो नहीं है। क्यों, कहाँ है मेरा कैमरा? कैमरा हमने लैब भेज दिया। किससे पूछ के आपने मेरा कैमरा लैब भेज दिया? मुझे मेरा कैमरा चाहिए। आप लोग सब झूठ बोल रहे हो। आप जानते नहीं, मैं अगर चाहूँ ना मैं सबका पास कर सकता हूँ, केस कर सकता हूँ आप लोग। चिल्ला मत, मैं यहाँ बैठ के तेरा मदद कर रहा हूँ, उल्टा तू मेरे ऊपर चिल्ला रहा। और सुन, का हाथ दोबारा तेरे ऊपर पड़ गया ना, बचेगा नहीं। और सुन, हगने के लिए कान और खाने के लिए हाथ नहीं बचेगा। हट साला, मैं कुछ नहीं जानना चाहता उस जंगल के बारे में, मुझे बस मेरे घर, प्लीज मेरे घर जाना है मुझे, प्लीज मुझे मेरे घर भेज दो। नहीं रहना चाहता मैं यहाँ, नहीं जानना चाहता उस जंगल के बारे में। हमने आपका भाई को बोल दिया। मेरे भाई को? आपका भाई को बोल दिया, वो आता ही रहेगा। अब यहाँ से चले जाना। सर कुछ भूख लग रहा है, कुछ खाने को जरूर। योगेश सर को मैं खाना खिला दूँ। हाँ राइस राइस डाल। सागर जाते जाते मैं आपको बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ भूमा जंगल के बारे में, बोंडास के बारे में, आपके साथ जो भी टॉर्चर हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो आप किसी को मत बताना प्लीज। लेकिन क्यों? अगर बोंडास के बारे में, ये लैंड के बारे में अगर गवर्नमेंट को पता चल जाएगा तो बोंडास के लिए और हम सब के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। हम सब के लिए मतलब? अरे आपका खाना आ गया, खाना खा लिया। ये क्या बेकार सा खाना है? ये कौन खाता है चावल और दाल? हम सब यहीं पे यहीं खाते हैं, यहाँ पे इसके अलावा कुछ मिलेगा भी नहीं आपको। हे कोई से, ओए हीरो सुन ले, ये ना किसान की कमाई है और सारा किसान अगर धंधे में बैठ गया ना, तुम्हारा ब्राउन राइस से लेकर ब्राउन बर्ड तक सबकी भाग खा ले चुपचाप।
गुफा जंगल में कोयला और तेल निकलता है, और आपको तो पता कोयला और तेल का रेट भी इतना ज्यादा है बाहर की दुनिया में, तुम्हारे सोना और गोल्ड से भी ज्यादा। और बाहर के बहुत सारे कंपनी यहाँ आके अपना झंडा गाड़ने में तैयार है। यहाँ के लोकल लोग अखबार ये कहते हैं कि 6 बजे के बाद जो भी गुफा जंगल जाता है वो वापस नहीं आता। अभिजीत दास, सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर। ये उड़ीसा है, बाहर से जितना खूबसूरत है ना, अंदर से उतना ही दलदल है। और एक बार जो इस दलदल में घुस जाता है ना, बाहर निकलने में उसकी लग जाती है।